नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं आईएनएन 24। रुक करते हैं खबरों की तरफ। भिलाई नगर निगम का शपथ ग्रहण समारोह निगम परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें दुर्ग जिला कलेक्टर ने नवनिर्वाचित 70 पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उसके बाद महापौर के लिए चुनाव करवाया गया। भिलाई नगर निगम पार्षदों के चुनाव में नवनिर्वाचित 70 पार्षदों को दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसमें कांग्रेस के 42, भाजपा के 24 पार्षदों के साथ 7 निर्दलीय पार्षद भी शामिल रहे, जिन्हें 7-7 की श्रेणी में खड़ा कर जिला कलेक्टर ने शपथ दिलाई। इस मौके पर शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनने छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ बड़ी संख्या में भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण के पश्चात महापौर के चयन के लिए मतदान प्रक्रिया अपनाई गई। इसके बाद भिलाई नगर निगम को अपना 5वां महापौर कांग्रेस से नीरज पाल व सभापति गिरवर बंटी साहू मिल गया, जिन्होंने जीत के बाद भिलाई नगर निगम में विकास की धारा बहाने की बात कही। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। नए रिकॉर्ड बनाए हैं, उसी की जीत है ये, और भिलाई की जनता के प्रति हम सब आभार व्यक्त करते हैं। पूरे पार्षदों की तरफ से मैं भिलाई की जनता का, कांग्रेस के जितने भी नव निर्वाचित पार्षद है, उन सबकी तरफ से मैं भिलाई की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से भिलाई की विकास पहले पिछले कार्यकाल में भी बढ़ा है और इसको हम और कोशिश करेंगे निरंतर और दुगनी गति से इसमें विकास में हम आगे बढ़ाएं।